स्टूडेंट आपके सामने आज हम बताएंगे अपने गणित की पढ़ाई को कैसे स्टार्टअप करें और इसके लिए हम यहाँ पर गणित में मन कैसे लगाएं, दो टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वीडियो होगा कि गणित को हम तेज कैसे करें, वो अलग वीडियो होगा, छोटा सा वीडियो होगा जैसे ये वाला वीडियो उसी तरीके से। तो जो जो टिप्स यहाँ पर हम लिखे हैं इनको हम एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने, तो पूरी तरीके से जी जान लगा करके ऐसे पढ़ाई करिए और गणित को अपने अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाइए और अपने गणित में खुद इंटरेस्ट लाइए, ठीक है। यहाँ पर जो चीजें हम बता रहे हैं, जो लिखे हैं, इसको हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। जैसे कि हम एक एक बात को चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर लिखा गया है कि फार्मूला, जो फार्मूला होता है फार्मूला को कॉन्सेप्ट से सीखिए। जो अगर आप मैथ्स स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला आपको जरूरी है, ठीक है। तो फार्मूला याद करेंगे, उसको हमें कैसे याद करना है, कॉन्सेप्ट से याद करना है। आप फार्मूला कैसे बना, ये फार्मूला कहाँ से तैयार हुआ, आखिर ये फार्मूला क्यों बना, उस पर आप दिमाग पहले बैठाइए। और फार्मूला कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहाँ पर, हर एक टाइप के जो हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं एकदम बेसिक से। देखिए ऐसा नहीं है, जो चीजें यहाँ पर टिप्स लिखे हैं इससे रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर खुद पड़ी है, आपको कहीं ढूंढने के जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिलेंगी, बेसिक मैथ्स टू एडवांस, एकदम आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट है मैथ्स से रिलेटेड आपको जरूर मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। 3 प्लेलिस्ट है मैथ्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर फार्मूला को कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब यह हुआ कि जो फार्मूला बन रहा है ना, उस फार्मूला को आपको सीखना है आखिर कैसे बनता है। जैसे अभी यहाँ पर एक वर्ग है, ये आपका एक वर्ग है और वर्ग में ये आपकी भुजा होती है, ये क्या होती है, भुजा, क्योंकि ये सभी है। अब इसका परिमाप ही बोला जाए, परिमाप किसको बोला जाता है, जो यहाँ से लेकर के मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे पूरे चारों तरफ घुमाएं, उसी को परि मतलब एक आवरण होता है, माप, माप मतलब माप लीजिए, तो परि बाहर बाहर इसका माप ले ली, तो एक परिमाप होगा। मतलब आप यहाँ पर थे, इसे इसे पकड़ो, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे आओ, यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर आपने ए गया, फिर यहाँ पर ये वाला ए गया, फिर यहाँ पर ये वाला ए गए, ये वाला ए गए, कितने, 1 2 3 4 ये हो गया, कितने ये हो गया, 4। मतलब परिमाप, ये वर्ग है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप सीखिए, मतलब आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं ये क्या है, ये अगर हम इसको भुजा मानते हैं, क्या है, भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, एक जगह भुजा तो 4 भुजा, यानी कि 4 भुजा। तो देखिए ऐसे सूत्र बनेगा ना, सूत्र आपका ऐसे कॉन्सेप्ट से सीखना है, मतलब फार्मूला को कॉन्सेप्ट से सीखे ताकि आपको सूत्र याद करने की जरूरत ना पड़े। फिर यहाँ पर चलते हैं कैलकुलेशन में पकड़ बनाए, जो कि कैलकुलेशन होती है उनमें पकड़ बनाना है। कैसे, आपकी पकड़ इस तरीके से बनेगी, कैलकुलेशन में पकड़ आपकी इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर जो हमें यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर प्रिंट किए हैं, देखिए ये इस तरीके से, ठीक, मतलब कैलकुलेशन को तेज करना है, उसमें आपकी पकड़ को अच्छी तरीके से मजबूत करना है। आप कैलकुलेशन में जो जो चीजें बेसिक्स होती हैं, जैसे कि आपका बेसिक मैथ पर बेसिक मैथ्स में आता है, इसलिए मैंने इसको अलग भी लिखा हुआ है, तो ये भी होता है इसके लिए। तो यहाँ पर आपका ये वाला जोड़ घटाव गुणा भाग टेबल वर्ग वर्गमूल घन घनमूल जो भी चीजें आती हैं, इन पर आपको पकड़ बनाना है अच्छी तरीके से और इनके जरिए से कैलकुलेशन को तेज बनाना, इनके जरिए से कैलकुलेशन को तेज। अब कैलकुलेशन क्या होता है, देखिए जैसे आप ये जोड़ सीखे हैं, ये 52 + 2 और यहाँ पर आपका 3 × 2 इस तरीके से आ गया। तो आपको समझिए ये यहाँ पर क्या है, ये जोड़ है, मतलब आप बेसिक मैथ्स में चले गए। यहाँ पर 3 और 2 का क्या है, गुणा है, मतलब आप बेसिक मैथ्स में चले गए। तो अभी इनको हम जोड़ेंगे तो 52 × 2 = 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, और ये 3 × 6 ये 6 हो जाएगा। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो ये जो पूरा सिस्टम इसको हल करे, इसको जोड़े, इसको गुणा किए, इसको हल कर रही, तो यही बोला जाता है कैलकुलेशन, यही बोला जाता है कैलकुलेशन। मतलब हम किसी भी गणित के जो भी रूल्स होते हैं बेसिक्स में, वो जितने भी रूलों का यूज करके हम जो भी हल करते हैं उसको कैलकुलेशन बोलते हैं। तो ये आप एक दूसरे से मैच करवा सकते हैं, मतलब ये 2 आपका ये 4 पॉइंट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी को ध्यान से पढ़िए, जो का थ्योरी होता है उसको ध्यान से पढ़िए। जैसे आपको कोई मैथ्स में चीजें मिल जाती हैं, मान लीजिए आपको मिल जाता है कि समबाहु त्रिभुज, क्या बोल मिल गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आपका एक हेडिंग मिलेगी, यानी कि आपकी हेडिंग मिलेगी समबाहु त्रिभुज, क्या मिलेगी, समबाहु त्रिभुज, ठीक, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए आपकी हेडिंग मिल गई। तो इसका जो आपका परिभाषा रहेगा, इसका जो आपका परिभाषा रहेगा, आपको इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, यानी कि इसमें आपको कैसे चीजें हैं। समबाहु त्रिभुज में देखते हैं तो आपका मान लीजिए परिभाषा लिखा है, एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें
सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, यानी त्रिभुज आपका इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये वाली भुजा जितना होगी ये वाली भुजा सभी, ये भुजा या कि दो है तो ये भी दो होगी, ये भी दो होगी, ये तो मतलब समान होगी, ये संभव त्रिभुज। इसका थियरी जो होगा, थियरी इस तरीके से होगा कि आप उसका परिभाषा जो होगा कि जिसकी भुजाएं हमारी समान हो वो हमारा हो जाता है संभव त्रिभुज। तो अब थियरी को अच्छी तरीके समझिए, उसके जो एक्सप्लेन किया गया हो, उसको सूत्र कैसे फॉर्मेट किया गया है वो सारी चीजें समझेंगे, तो हम इससे थियरी से जुड़ी हुई चीजें को, मतलब यहाँ थियरी से जुड़ी हुई चीजें इस पर हम बेसिक पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप एक दूसरे में जोड़ के रख सकते हैं, ठीक, एक दूसरे से भी कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये चीजें हो गए, प्रतिदिन अभ्यास जरूर करें। तो ये सारी चीजें आप कर ली हैं तो इनका अभ्यास भी करते रहे ताकि आपकी ये चीजें तेज होती जाए, मतलब आपको अगर जो करना गुणा भाग आपका बेसिक आ गया तो इन बेसिक्स का आप अभ्यास करो थोड़ा सा, कैसे कैलकुलेशन पर कैलकुलेशन लगाइए, उसमें आपका अभ्यास होगा और इस तरीके से तेज होगा, और एक बार जब तेज हो जाएगा तो आपका हटने वाला ना ये ना कटने वाला, ठीक है। इस तरीके से प्रतिदिन अभ्यास करना जरूरी है, मतलब आप हर दिन एक घंटे आप इस पर दीजिए, टाइम दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका अभ्यास, ओ सॉरी, अध्यापक के अनुसार हल करिए, मतलब अब आपको पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आप जो भी अध्यापक आपको बता रहे हैं, जो चीज़ें सिखा रहे हैं उनके अनुसार से आप स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएं तो आपका मैथ्स जो है इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा और आप मैथ्स में काम करने लगेंगे, पढ़ने की इच्छा भी जागेगी, और जब आपकी इच्छा जागेगी तो आप कर लेंगे, नहीं जागती है तो आप ये सारी चीज़ें करें, थोड़ा सा आपका फर्स्ट टाइम ये हुआ कि आप एकांत स्थान का चुनाव करें। किसका चुनाव करें? एकांत स्थान का। मतलब तो क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते दिन में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं तो आप उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसी में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, मन नहीं लगेगा। आप कोई वहाँ आप बैठे हुए हैं, दो लोग और बैठ गए वहाँ पर, आप कोई आ गया वहाँ पर, कोई गेम की बात करने लगा, कोई मूवी की बात करने लगा, कोई न्यूज की बात करने लगा, तो आप उसमें सुनने लगेंगे, उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आप जो पढ़ रहे थे उस पर कॉन्सेप्ट उसका वगैरह सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इसीलिए आपको एकांत स्थान का चुनाव करना है। किसका चुनाव करना है? एकांत स्थान का चुनाव करना है। दूसरा क्या है? समय निर्धारित करें। पढ़ने के लिए आपका जो समय होता है उसको आप निर्धारित कर लें, उसका समय जो होता है उसका निर्धारण कर लें कि हमें कब कब कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, या हमें मैथ्स को कब कब पढ़ना है, सुबह पढ़ना है 2 घंटे, शाम को पढ़ना है, दोपहर में कब पढ़ना है, ये जो है अपना टाइम आप बना लेंगे, टाइम अपना आप बना लेंगे। नहीं, टाइम को बिना सेट किए अगर आप टाइम सेट कर लेंगे तो एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन, ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो चीज़ें करने लगो तभी इंटरेस्ट बढ़ता, अगर आप कभी नहीं करोगे वो चीज़ें पीछे चली जाती है और उसमें मन भी नहीं लगता है। ये आजमा के देखिएगा, हमेशा आप कोई चीज़ करने की कोशिश, आपका मन नहीं कह रहा है तो आप उसको करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन, 1 हफ्ते करने की कोशिश करो, 100% मन लगने लगेगा, चाहे आपको कम आए चाहे जो भी है, लेकिन मन लगे, ऐसा दिमाग में बैठ जाए कि हमको वो करना है, बार बार वो दिमाग में कहेगा हमको वो करना है, नया पानी लगेगा वो सारी चीजें। उसके बाद होता है हल, प्रश्न दोबारा हल करें, जो आप प्रश्न हल किए हैं ना उसको आप दोबारा फिर से करें, उस प्रश्न को आप दोबारा फिर से करें, फिर से अगर आप उसको करेंगे तो वो प्रश्न कहीं ना कहीं गलती आपको ध्यान नहीं रहेगा, भूल गए होंगे तो गलतियां आपकी होंगी, उसको सुधरेंगे, और इस तरीके से उनका अगर रिवीजन फिर से होगा, और जब रिवीजन हो जाएगा तो समझ रहे हैं ना कि वो आपका क्वेश्चन तेज हो जाएगा। फार्मूला ध्यान से रखें, और जब आप कर रहे हैं मैथ को पढ़ रहे हैं तो फार्मूला वगैरह आप थोड़ा सा दिमाग बैठाएं कि कौन सा फार्मूला कब यूज होता है, कैसे यूज होगा, क्यों यूज होगा, वो सारी चीज़ें फार्मूले को आप समझें, कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूजेज होगा फार्मूला को। अगला है कि क्वेश्चन को आसान तक करें, क्वेश्चन को आसान तक करें, मतलब ये हुआ क्वेश्चन आप जो कठिन लग रहा है, जो कठिन क्वेश्चन है उनको आप करो, और तब तक करो जब तक वो क्वेश्चन आपको आने न लगे, मतलब तब तक करो जब तक क्वेश्चन आपको आसान ना लगने लगे। अगर आपको क्वेश्चन जब आसान लगने लगे इसका मतलब क्वेश्चन आपको आने लगा, और तब तक आप उसको ट्राई करो, उसको करो, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आगे भी आने लगेंगी। तो ये सिवाय बेसिक पॉइंट्स कुछ हमने बताया जो कि गणित में पढ़ाई के लिए आपके लिए कारगर साबित होगी, तो जरूर इनको ट्राई करिएगा, इनके लिए आपको आपको देखिए आप हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो एक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में आपको बेसिक मैथ्स टू एडवांस, बेसिक मैथ्स, मैथ्स बेसिक टू एडवांस है, मैथ्स बेसिक टू एडवांस है, ठीक है, ये देख लेना, और मैथ्स फॉर ऑल ये की होगी, एक जीरो टू हीरो है, जीरो टू हीरो है,
तीन चार प्लेलिस्ट हैं जो कि उन बच्चों के लिए हैं जो जरा सभी मैथ में एक ही छोटी से छोटी पॉइंट्स पे बताए हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत अच्छे से तरीके बताए हैं, एकदम आपको हलवा लगेगा। चार प्लेलिस्ट करीब हैं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन खोलना नहीं जानते तो वीडियो जो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको देखेंगे तो साइड में आपको देखेंगे तो मोर ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देखेंगे तो आपको मोर ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पर मोर ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन खुले, फिर से मोर जहाँ पर दिखे वहां पर क्लिक करें पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। अगर आप ये सारी ट्रिक्स सीखना चाहते हैं कैसे मोबाइल के, और कोई कोई अगर मोबाइल के बारे में नहीं समझ पाते हैं कैसे क्या चीज़ें होती हैं, बहुत कम समझ में आता है मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या अदर यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स कर सकते हैं, मेरा सेकंड चैनल प्लीज फॉलो कर लीजिए। सेकंड चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, जो कि आपको यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी उसकी, जरूर आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए, आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, जस्ट वीडियो अपलोड, कौन सी क्लास में है आप जरूर कमेंट करिए, कैसी वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करिए, जरूर आपके कमेंट से ही वीडियोज हमारी क्रिएट होगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड